यो व्हाट्स अप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुगाज, ये जो आप GTA 5 के ग्राफिक्स देख पा रहे हैं, अगर आपने भी ये ग्राफिक्स अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर आप GTA 5 में हाई ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना है मोड को। मोड का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ से डाउनलोड का बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मोड को आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है विंडोज सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर आपने सब कुछ क्लोज करके अपने ओपन आईवी को ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर आपने GTA 5 में विंडोज को ओपन करना है। उसके बाद ये ओपन आईवी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने एडिट मोड पर क्लिक कर देना है। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आपको एडिट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करके इसको यस कर देना है। सो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगी x64a.rpf। ये जो ए वाली फाइल है, आपने इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर शो वो कॉपी इन मोड फोल्डर कर देना है। कॉपी इन मोड फोल्डर, मेरा शो इन मोड फोल्डर आ रहा है क्योंकि मैं पहले से इसको कॉपी कर चुका हूँ। आपका यहाँ पर कॉपी इन मोड फोल्डर आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ अपने मोड के फोल्डर में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं x64a.rpf फाइल आ चुकी है। सो फिर उसके बाद आपने अपडेट के फोल्डर में जाना है और फिर उसके बाद आपने अपने इस वाले ग्राफिक्स मोड वाले फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर आपने इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट किया था। यहाँ पर आने के बाद आपने फाइल में जाना है और फिर उसके बाद ओपन आईवी को भी यहाँ पर साइड में कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपडेट में जाना है, अपडेट RPF, और यहाँ पर आपको कॉमन और x64 के फोल्डर मिल जाएंगे। सेम यहीं पर आपको अपडेट RPF में जाना है और कॉमन और x64 के फोल्डर मिल जाएंगे। सो इससे सबसे पहले तो आपने बैक जाना है और अपडेट RPF का आपने बैकअप ले लेना है मोड इंस्टॉल करने से पहले। सो आप इसका बैकअप ले लीजिए। बैकअप लेने के बाद आपने अपडेट RPF में जाना है और यहाँ पर ये कॉमन और x64 को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैं पहले से कर चुका हूँ तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद उसके बाद फिर आपने बैक जाना है और उसके बाद x64a.rpf वाला आपको फोल्डर मिल जाएगा। आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और उसके बाद फिर आपने इस फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पर भी आपने x64a.rpf वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टेक्स्टर मिल जाएगा, टेक्स्टर के फोल्डर, और सेम टेक्स्टर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये टेक्स्टर। सो आपने इस वाले टेक्सचर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है। मैं पहले से ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुका हूँ। उसके बाद फिर आपको बस इतना ही करना है। आपका ग्राफिक्स मोड GTA 5 में इंस्टॉल हो चुका है। सो अब चलते हैं अपने GTA 5 में। सो गाइस, जल्दी से अपने GTA 5 में चल के दिखा देता हूँ। GTA 5 को ओपन करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी GTA 5 ओपन हो चुकी है। उसके बाद आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं ग्राफिक्स। मैं मेन्यू मोड को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप टाइम वेदर में जाके दिखा देता हूँ। क्लियर, नेचुरल वेदर कर देता हूँ। उसके बाद टाइम में जाता हूँ और ये टाइप कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। सो चले फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।